हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक पांडे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे एयरफोर्स ग्रुप वाई की मैथ्स और रीजनिंग के बारे में। तो आज की वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं कि मैथ्स में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, और रीजनिंग में भी हम इसी हिसाब से बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और कितने कितने मार्क्स से किस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो रागा सेक्शन में आपके तीन पार्ट्स होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग एंड जीके। तो मैथ्स रीजनिंग की बात हम आज इस वीडियो में करेंगे, जीके की बात हम पहले कर चुके हैं। डिटेल में आपको बता चुका हूँ कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो जैसा आपको पता है कि जीके काफ़ी ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, तो काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं उसमें, थोड़े नंबर लाने के लिए हमें काफ़ी सारा पढ़ना पड़ता है। तो आपको वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक एक मार्क्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम में। एक मार्क्स से आपका सिलेक्शन हो भी सकता है और एक मार्क्स से सिलेक्शन आपका रुक भी सकता है। तो आप बिल्कुल ऐसी प्लानिंग करें कि फेल होने का चांस ही ना हो, आपको इस बार सिलेक्शन लेना ही है। तो आप जीके पर भी ध्यान दें। तो हम मैथ्स के बारे में बात करते हैं पहले। तो देखिए मैथ्स में क्या क्या टॉपिक है हमारे। पहला का इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉफिट लॉस, और इसी में मैंने इंक्लूड कर दिया डिस्काउंट को भी। ये डिस्काउंट भी जो है प्रॉफिट लॉस का ही हिस्सा है। तो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। एक भी क्वेश्चन हो सकता है, किसी की शिफ्ट में एक क्वेश्चन आता है लेकिन किसी की शिफ्ट में दो क्वेश्चन भी आते हैं। कैसे? एक क्वेश्चन आपने सीधा प्रॉफिट लॉस का पूछ लिया किसी टॉपिक का, एक में आपका डिस्काउंट से पूछ लिया कि कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है, एमपी और सीपी का रेशियो बता दीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, मैथ्स में आप कोई भी टॉपिक कर रहे हैं तो उससे के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आप सारे टाइप के क्वेश्चन करें, चाहे आप कहीं से भी कर रहे हो, जो भी आपको टीचर अच्छा लगे, जो सी बुक अच्छी लगे वहाँ से कर रहे हैं, तो आप देखें कि उसमें सारे टाइप के क्वेश्चन हैं या नहीं है। ठीक है, और मैंने अपने सोर्स भी आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ पहले ही, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरा सोर्स फॉलो करना चाहते तो उससे भी कर सकते हैं। अगर आप अपना सोर्स फॉलो कर रहे हैं तो उसी को अच्छे से फॉलो करें, बार बार रिविजन करते रहें। सेकेंड टॉपिक है आपका परसेंटेज। परसेंटेज से आपका एक नंबर कंफर्म आता है, जो जो टॉपिक बता रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चन कंफर्म आएगा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, एवरेज, एवरेज से भी एक क्वेश्चन आता है। एवरेज का क्वेश्चन अच्छा आता है, जैसे आठ बच्चे थे, दो चले गए और दो नए आए हैं, उनका वजन कुछ हो रहा है, तो नया एवरेज क्या होगा, ठीक है, रिड्यूस एवरेज क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एलसीएम एचसीएफ से हर बार एक बढ़िया क्वेश्चन आता है। ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होता है एलसीएम एचसीएफ से, मैं बताऊंगा। जैसे सात से आठ क्वेश्चन आते हैं आपके मैथ्स के, तो आपके पाँच से छः क्वेश्चन तो इजी होंगे। अगर आठ क्वेश्चन आ रहे हैं तो छः तक क्वेश्चन आपके इजी होंगे, दो क्वेश्चन आपके क्या होंगे, थोड़े लेंथी होंगे। ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको। तो छः क्वेश्चनों में अगर आप टाइम बचाएंगे टिक लगा के, तो उन दो क्वेश्चनों में आप थोड़ा टाइम लगा भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो एलसीएमएसएफ को आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन आता है। जैसे इस बार मेरी एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि चार बेल्स लगी हैं और वो कुछ कुछ टाइप के गैप पे बजती हैं, तो चारों एक साथ कब बजेंगी, एक टाइम देखा, जैसे 12 बजे दे रखा था, तो बताइए नेक्स्ट टाइम कब वो एक साथ बजेंगी। तो यहाँ पे इजी है वैसे क्वेश्चन, लेकिन टाइम थोड़ा वहाँ पे अलग अलग था, जिससे एलसीएम लेने में उसकी दिक्कत आ रही थी। तो आप एलसीएम एचसीएफ को अच्छे तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है रेशियो प्रोपोर्शन। इजी क्वेश्चन आता है यहाँ से भी, जैसे परसेंटेज से भी इजी क्वेश्चन आता है एक, यहाँ से भी इजी क्वेश्चन आता है रेशियो प्रोपोर्शन से भी। सिंप्लीफिकेशन से एक सही क्वेश्चन आता है, यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, तो सिंप्लीफिकेशन को अच्छे से कीजिएगा। सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास भी है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन है बोर्ड मास, उन दोनों में से एक ही क्वेश्चन आता है, तो सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है वो भी। अब टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, टाइम टेकिंग हो सकता है थोड़ा, तो इसको अच्छे से करिएगा। टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन आता है आपका। इसके बाद सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, अभी 2019 में जितने एग्जाम हुए थे तब तक नहीं आ रहा था सिंपल ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन, लेकिन अभी जो नवंबर में हुआ था 2020 में एग्जाम, इसमें आपका सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से। ठीक है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री सिंपल कर लेनी है थोड़ी, इतना ज़्यादा हाईफाई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, सिंपल क्वेश्चन। जैसे आपसे बोल दिया कोसेक 135 डिग्री का की वैल्यू बता दीजिए, ठीक है, आपसे क्वेश्चन सीधा ऐसा क्वेश्चन दे दिया जहाँ पे आपका फॉर्मूला बन रहा होगा सीधा। ठीक है, तो फॉर्मूला सीधा अगर आपको थोड़ा भी ड्राइव करना आता होगा तो वहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी उसकी। तो सिंपल आपको थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री करके जानी है, ताकि आपका वो भी क्वेश्चन ना छूटे। अब हम बात करते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से भी एक क्वेश्चन आ रहा है आपका, किसी की शिफ्ट में, हर शिफ्ट में नहीं। आप बोलेंगे, आप सबको टोटल करेंगे तो आप कहेंगे 10-12 क्वेश्चन बन गए, तो किसी शिफ्ट में किसी का क्वेश्चन आया तो किसी शिफ्ट में नहीं आया। ठीक है, तो लेकिन आठ इन्हीं टॉपिक में से आएंगे, अगर आपके आठ क्वेश्चन आ रहे तो इनसे बाहर कोई टॉपिक नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। मेंसुरेशन में एक क्वेश्चन किसी की शिफ्ट में आ रहा था, लेकिन कैसे, सिंपल जो आपका फॉर्मूले होते हैं आपने उनको अगर पढ़ रखा है ढंग से, तो आप इजीली उसको पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा सीधा, इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं आता मेंसुरेशन में क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद है आपका लास्ट टॉपिक SICI। तो इससे क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। हाँ, कई बच्चे कह रहे थे नवंबर में जो एग्जाम हुआ था कि हमारे एग्जाम में आया है SI का क्वेश्चन, CI का क्वेश्चन आया है, तो वो बता रहे थे जो फॉर्मूला बेस आया था, सिंपल
अगर आपको पता है SI का फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, SI का फॉर्मूला पता है पी ब्रैकेट में जो है 1 माइनस जो भी फॉर्मूला है CI SI का, वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, तो सिंपल आप पुट करके आंसर निकाल सकें। CI SI वैसे आता नहीं है, लेकिन हम एक सेफ साइड पर रहेंगे जहाँ पर हमारा कुछ भी गलत ना हुए, तो आप इसको भी पढ़ लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा SI CI का, खाली फॉर्मूले रन करने आपको। अब हम बात करते हैं, मैथ्स हमारी हो गई, टॉपिक आपको बता दिया मैंने क्या 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 पढ़ना है। आपको जल्दी से जल्दी ख़त्म करके सिलेबस रिवीजन करना है। जिसने सिलेबस ख़त्म कर लिया वह बहुत बढ़िया। अब बार बार आप उसकी प्रैक्टिस करिए, जो आप क्वेश्चन कर चुके हैं पहले तो उनकी प्रैक्टिस करिए, अब बाद में अपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट में जो मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं उनके अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कोई और सोर्स दिख रहा है, जब आप 2-3 बार अपने जो पहले जिससे आप कर रहे थे उसको 2-3 बार ख़त्म कर चुके हैं, तभी दूसरी कोई सोर्स उठाइएगा। ये नहीं कि हमने एक ही बार जिससे पढ़ रहे थे शुरुआत में उससे तो एक ही बार पढ़ा है, हम दूसरे सोर्स पे चल दिए। हमने पहले जिस सोर्स से पढ़ा था उसको तो पहले अच्छे से कर लें कि गलत वहाँ से क्वेश्चन आ गया तो गलत ना हो गलती से भी, ठीक है। गलती से भी हमें कुछ गलत नहीं करना है, तो उसको एकदम रट सा लेना है। बार 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 पढ़ते रहेंगे तो एकदम छप जाएगा दिमाग में, ठीक है, और हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट किसी भी टाइप से क्वेश्चन आएगा गलत नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा है रीजनिंग। रीजनिंग के बात करते हैं, रीजनिंग में आपका नंबर सीरीज और लेटर सीरीज, या तो नंबर सीरीज से एक क्वेश्चन आएगा या लेटर सीरीज से। ज़्यादातर आपका नंबर सीरीज से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है उसका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सिंपल क्वेश्चन आता है डायरेक्शन डिस्टेंस से, 1 मार्क्स का बिल्कुल फ्री नंबर है ये। नंबर सीरीज थोड़ा टाइम लेती है, अगर आपको 5 सेकंड ज़्यादा मैं कहता हूँ लगाइए, अगर आपको लॉजिक दिख रहा है तो आप तुरंत करके आगे बढ़िए, अगर आपको 5 सेकंड नहीं दिख रहा है तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि एंड में जब टाइम बचेगा तो हम उसको दे देंगे ना, ठीक है, वहाँ पर हम एडजस्ट कर लेंगे अपना टाइम। लेकिन अगर शुरुआत में हमने टाइम वेस्ट कर दिया तो नेक्स्ट लास्ट में जो ईजी क्वेश्चन होंगे उसके लिए टाइम नहीं बचेगा हमारे पास, तो आगे बढ़ेंगे तो ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आएगा, ब्लड रिलेशन आप अच्छे से करके जाइएगा, काफ़ी बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग से इजी क्वेश्चन आता है, या कभी कभी मुश्किल भी हो जाता है कि डिकोडिंग ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, आप अपोजिट लेटर्स वगैरह थोड़े देख लीजिएगा कि ए का अपोजिट जेड होता है, एम का अपोजिट एन होता है, तो वहाँ पे इजी रहता है कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन, ठीक है। ऑड वन आउट, जैसे 4 कुछ भी दे दिए उसमें से ऑड क्या है वो हटा दीजिए। ऑड वन आउट का क्वेश्चन आपका जो नॉर्मल रीजनिंग है वहाँ पर भी आता है, 4 फिगर होंगी, 1 फिगर 3 से अलग होगी, तो वहाँ पर चुनना होता है आपको। तो ऑड वन आउट का सिंपल एक क्वेश्चन आता है, ये वर्बल की बात कर रहा हूँ मैं आपकी, ठीक है। एनालॉजी, 2 टर्म्स एक दूसरे किसी प्रकार से रिलेटेड हैं, जैसे बोलते हैं प्रेसिडेंट रिलेटेड है कंट्री से, तो गवर्नर किससे रिलेटेड है, स्टेट से, ठीक है, तो ऐसे एनालॉजी का एक क्वेश्चन जरूर आता है, 100% आता ही आता है। टॉलेस्ट यंगेस्ट रिलेशन से एक क्वेश्चन आता है, कैसे, मतलब 4 बोलते हैं, वाई आर से छोटा है, आर एस से छोटा है, तो बताओ बीच में कौन है, या उम्र में भी ऐसे ही पूछ लेता है, उसकी उम्र उससे कम है, तो दो इस बार तो पूछा 2 थे, पहले तो टॉलेस्ट यंगेस्ट का बनाना था, फिर आपको एज से बनाना था एक डायग्राम, तो बताएं दोनों में एक ही बंदा मिडल में था, उसका नाम बताएं। तो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो गया एक, ठीक है। इसके बाद आपका नंबर पजल, नंबर पजल में जैसे एक स्क्वायर है, ठीक है, उसके अंदर ब्लॉक बने हैं 3-4 ब्लॉक बने हैं मान लीजिए, उसमें 3 में आपकी डिजिट दे रखी है और 1 में डिजिट नहीं है, तो आपको डिजिट फाइंड आउट करनी है कि उस ब्लॉक में कौन सी डिजिट आएगी, तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन होता है, ठीक है, उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा नंबर पजल के क्वेश्चंस की। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन आएगा मैथमेटिकल प्रॉब्लम, मैथमेटिकल प्रॉब्लम में काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें एज रिलेटेड जो प्रॉब्लम बनती है, जैसे बोल दिया कि मोहन की एज अपने फादर की 1/3 है, और 10 साल बाद अपने फादर की एज से 1/4 हो जाएगी, मतलब उसके फादर की एज मोहन से 3 टाइम्स है, 10 साल बाद मोहन से 4 टाइम्स हो जाएगी, तो बताइए मोहन की प्रेजेंट एज कितनी है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन एज रिलेटेड प्रॉब्लम होता है ये, ऐसा क्वेश्चन आता है आपका मैथमेटिकल प्रॉब्लम से। कई शीट में अलग क्वेश्चन भी एज से ना आए तो ये भी आ सकता है, जैसे कोई पेपर में आपको एक सही आंसर पे 4 नंबर मिलते हैं, एक गलत आंसर पे 1 नंबर कट जाते हैं, तो अगर आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो कितने मार्क्स हुए, ऐसा टाइप क्वेश्चन मैथमेटिकल प्रॉब्लम से आ जाते हैं। तो एज वाले 90% केस में एज से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछी जाती है, तो आप एज वाले क्वेश्चन जो है मैथमेटिक के वो आप अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद आता है नॉन वर्बल रीजनिंग से आपके 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर आपके 5 क्वेश्चन तो देखने को मिलते ही हैं नॉन वर्बल रीजनिंग से। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में भी टॉपिक्स होते हैं कुछ, जैसे एनालॉजी, ठीक है, 2 जो फिगर्स होंगी वो एक दूसरे किसी प्रकार रिलेटेड हैं, तो 3rd फिगर से 4th फिगर आपको फाइंड आउट करनी होगी, या सीरीज, ठीक है, कि 4 फिगर दे रखी होंगी आपको और ऑप्शन में 4 फिगर होंगे, बताइए 4 फिगर के बाद 5वीं फिगर आपकी कौन सी बनेगी वो बताना है आपको, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ठीक है। इसके बाद ऑड वन आउट, 4 फिगर हैं उसमें एक रिलेट नहीं करेगी सीरीज से, तो आपको ऑड वन आउट करना है। तो आपके ये 4 टॉपिक हैं, इनको अच्छे से करिएगा नॉर्मल रीजनिंग में, एक तो एनालॉजी, एक ऑड वन आउट, एक सीरीज नेक्स्ट टर्म बतानी जिसमें आपको, और एक वाटर और मिरर इमेज,
अगर इतना कर लेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग में तो काफ़ी अच्छा रहेगा। नॉर्मल ब्रीदिंग काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाइएगा। अब हो गया अपना सिलेबस तो यही था पूरा, अब ये बाकी आप पे है कि आप कितनी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हैं। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो बिल्कुल सिलेक्शन होगा आपका। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। तो बस चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।